सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज मेरे सामने खड़ी हुई है बजाज की पल्सर N250। अभी आज से कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों को ये बाइक चला के भी दिखा रहा था, इसके कंपैरिजन वगैरह दिखाया, इसका सब कुछ मैंने करके दिखाया और मैंने खूब चिल्ला चिल्ला के बोला 180,000 रुपये में इंडियन मार्केट के अंदर इससे बेस्ट प्रोडक्ट आपको 250 cc के अंदर नहीं मिल सकता है। तो इस बाइक को भाई हमारे एक भाई हैं अखिलेश भाई, तो कैसे हो अखिलेश भाई? बढ़िया भाई। और अखिलेश भाई ने इस बाइक को खरीद लिया। अखिलेश भाई इस बाइक को पिछले कुछ लगभग 10-15 दिन से, कितने टाइम से? एक हफ्ता हो गया, मोटा मोटा एक हफ्ता, मतलब 7-8 दिन से भाई इस बाइक को ओन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने कहा एक बार ही N250 भाई ट्रेंड में भी है, काफ़ी लोग इस बाइक के बारे में जानना भी चाहते होंगे। लॉन्च के टाइम पे तो पता ही चल गया होगा, बट ओन करने में कैसी है कैसी नहीं है उस बारे में भाई से जानेंगे थोड़ा सा। भाई ओन करने में तो बेस्ट है, बेस्ट है। 180 मतलब बोलते हैं ना 180,000 में आप कुछ भी ले लो, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता, इससे बेस्ट नहीं मिल सकता। इसी में RTR भी मिल जाएगी आपको 180,000 पर, उसमें भी वही मजा है, वही मजा, सेम है, सेम मजा है। भाई के पास ये है कि सर्विस सेंटर बेकार है, इसलिए मैं उस पे गया नहीं। भाई के पास अपाचे RTR 200 भी है ना, 4V, तो भाई अपाचे भी ओन करते और भाई ने ये भी लिया। तो मैंने तो यही कहा, मैंने कहा जब 200 cc ले रखी थी तो 200 cc की एक तरीके से 250 की सेम ले ली दो। मतलब भाई है ना ऑफिस पर्पस के लिए लिया, तो ये एवरेज भी अच्छी है और अच्छा मजा भी है चलाने में। अच्छा, जैसे कि जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो मैंने काफी लोगों से बोला था, मैंने कहा भाई इस बाइक के ना 250 cc होने के बावजूद भी जैसे कि एयर, मतलब इसमें एयर कूल है, लिक्विड कूल नहीं है, तो एवरेज अच्छी है। काफी लोग कह रहे 40 तक की एवरेज आ जाती है, आपको कितनी एवरेज दे रही है अभी? मेरे को अभी 30-32 की दे देती है आराम से, 30-32 की। और अभी 300-400 पहले दिन जब ली थी ना तभी मैंने टेस्ट किया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या एवरेज दे रही है, पर बढ़िया दी इसने। और 300-400 किलोमीटर चलाई अभी आपने? हाँ 300 चला दी, 300 किलोमीटर के अंदर अभी ये इनिशियली 30 की एवरेज दे रही है। सर्विस के बाद शायद हो सकता है थोड़ी बढ़ जाए, हार्ड एंड फास्ट चलाने पे। हाँ हार्ड एंड फास्ट, ठीक है। और आपने इससे पहले वाली N250 भी चलाई है जो इससे पहले आती थी? हाँ वो भी चलाई है, वो भी चलाई। अच्छा क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या लगे? टायर का थोड़ा फर्क है और उसमें टायर में मजा नहीं है, एक प्रॉब्लम ये है इन वालों में भी नहीं, इसमें तो है यार। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। 140 सेक्शन है और उसमें 130 था, हाँ। तो उसमें 130 में इतना मजा नहीं आ रहा था, लीन करने में थोड़ा प्रॉब्लम वगैरह है उसमें। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा था जब मैंने वीडियो डाली थी ना, तो अब तो आप बाइक को ऑन कर रहे हो, डेली चला रहे हो, तो आप इस बात का अच्छा जवाब दे सकते हो। इससे पहले वाली जो N250 थी उसके अंदर थोड़ा ना वॉबलिंग वाला इशू लगता था, वॉबलिंग पीछे से थोड़ी, हाँ वो थोड़ा हाई स्पीड में पीछे से वॉबल करती थी, अगर कॉर्नर डिप कर रहे हो तब भी वो पीछे से वॉबल करती थी क्योंकि सस्पेंशन ज्यादा सॉफ्ट थी। इसके अंदर वो चीज है या नहीं है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। एक तो इसमें सबसे बड़ा चीज USD फोकस देती है, करेक्ट। उसके बाद तो ये और बढ़िया हो गई है, चिपक के चलने लग गई है ना, चलने लगी है। बट हाँ इसमें भी है थोड़ा इशू पीछे से, इसमें है हल्की सी वॉबलिंग मुझे लगता है, हल्की वॉबलिंग। हाई स्पीड पे जाओ ना 100 के आसपास और हल्का सा बोलते हैं विंड ब्लास्ट आ रहा हूँ तो लगेगा, पीछे से लगेगा हल्का सा कि हल्का बहुत लगता है, लगता है। तो आपने टायर प्रेशर वगैरह चेक करा के देखा? सब चेक करवा रखा है, सब चेक करा लिया, फिर भी आपको थोड़ा बहुत मतलब वो चीज फील हुई है? अब मेरे को अपाचे वाली आदत पड़ी हुई है, उसमें क्या है उसमें चिपक के चलती है गाड़ी, उसमें मजा है, रेडियल टायर है, सब कुछ बढ़िया। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें रेडियल टायर नहीं है ना इस वाली के अंदर, इसके अंदर तो आप लोगों को मतलब नॉन रेडियल टायर है, पर हाँ ये प्रोफाइल बढ़ा दे रखा है इन्होंने, प्रोफाइल बढ़िया। मतलब कुल मिला के आपका कहना है कि अगर लगभग 100-120 के आसपास चलाओगे तो थोड़ा बहुत देख के चलाने वाली बात है, थोड़ा बहुत फील हो जाएगा खुद ही। जैसा मैं फ्लाईओवर पे जाता ना, विकासपुरी वाला फ्लाईओवर पड़ता है मेरे रास्ते में, तो जब नीचे उतरता है ना उसमें हल्का सा लीन करना पड़ता है, ओके, उतरते के साथ ही वो हल्का सा लगता है कि पीछे से है, और बगल में अगर गाड़ियां चल रही हो ना पक्का बंदा अनकॉन्शियस पड़ेगा। भाई इसीलिए मैंने ये चीज पॉइंट आउट करी क्योंकि मेरे से काफी सारे भाइयों ने ना जब मैंने इसकी वीडियो डाली थी तब पूछ रहे थे, कह रहे कि प्रीत भाई इसमें वॉबलिंग वाली चीज है या नहीं है। देखो मैंने तो जब टेस्ट राइड करी थी तो बहुत ज्यादा नहीं चला सकता, तो वहाँ पे जितनी चला सकता था उस टाइम मुझे नहीं फील हुई वो चीज, पर आप डेली चला रहे हो तो आप अच्छा बता सकते हो। और उसके अलावा इसके अंदर भाई देखो बजाज ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी है, पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी न्यू बाइक के अंदर अपन लोग टेस्ट नहीं कर पाते, आप उसे डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होंगे या फिर आपने नई नई बाइक लिए टेस्ट भी करी होगी, उसका बताओ कैसा फीडबैक है? उसका भी ठीक है, मतलब मैप दिखा देता है आपको, कॉल पिक करनी है कॉल पिक कर सकते हो, कट करनी है वो भी पता लग जाए किसकी कॉल आ रही है, वो भी नाम भी आ जाता है अगर फोन में सेव है तो। अच्छा नाम लिखा आता है? नाम लिख के आता है अगर सेव है तो, R15 में नाम लिखा था, बस ब्लिंक करती है, मतलब R15 से तो बहुत बढ़िया है, फ्री है, ठीक है। तो मतलब जैसे कि आप कह रहे हो ब्लिंक करते हो और नाम लिखा जाता है, वो सारी चीज़ बढ़िया है ओवरऑल, ठीक है। और जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन दे रखी है वो भी ठीक है, वो भी ठीक काम करती है। और उसके अलावा इसके मीटर के अंदर आपको रियल टाइम माइलेज भी लिखी आती है, और जो वो बताती है वो आपने चेक करी एक्यूरेट है या नहीं है? मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ना चेंज होती है यार। नहीं नहीं वो नहीं, जैसे कि आपके मीटर के अंदर लिखा है कि बाइक 30 की एवरेज दे रही है, तो वो चीज़ आपने चेक करी? उसी में तो बता रहा हूँ मैं आपको, टैंक टू टैंक जैसे आपने नाप के देखा हो, कैलकुलेट कराओ, इस पे ध्यान नहीं दिया मैंने, खुद का देखा है। अच्छा 30-32 की आ जाती है, 30-32 की आ जाती है, और मीटर में भी इतनी लिखी आती होगी? हाँ मीटर में भी आती तो है, बट वो ना बड़ी जल्दी फ्लक्चुएट मारती है, वो एक्सेलरेशन के ऊपर है ना, अगर आप थोड़ा भी भगाओगे तो एकदम गिर जाती होगी। अच्छा काफी लोग और उसके अलावा भाई जैसे कि आपने इस पे पिलियन वगैरह बैठा के राइड करी, पावर वगैरह में लैग वैग कुछ है?
नहीं है नहीं, नहीं, बहुत मजा है। यही इसी चीज का मेरा मेन रीजन था कि पापा बैठते हैं पीछे, ठीक है, कई बार सुबह सुबह जाना होता है तो उनको बिठा के मैंने चलाया। परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आता, कोई फर्क नहीं आता है, बहुत प्यारी उठती गाड़ी। और जैसे कि अब आप कह रहे हो दो जने बैठाते हो तो सीट की कुशनिंग वगैरह बढ़िया है? बढ़िया है तो बढ़िया लगी, मतलब एनएस में इतनी मजा नहीं आया मेरे को जैसे इसमें। अच्छा, मतलब कुशनिंग वगैरह आपको मस्त लगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लगी। और एक चीज और, जैसे ये नए वाले मीटर दिए हैं बजाज ने, अपनी सारी बाइकों में ये मीटर भर दिया इन्होंने, यार ये तो पसंद नहीं आया मेरे को बिल्कुल भी। यही मेरा सवाल था, वाले जो थे ना इसमें निडल और सेमी डिजिटल बहुत प्यारे थे। अब एनएस का भी मेरे को थोड़ा जो 400 वाली आई है ना उसमें भी ठीक लगा मुझे, कलरफुल है ना, उसमें डिस्प्ले देती है ना, उसकी वजह से मुझे बढ़िया लगने लगी वो। वरना काफी लोगों का ये डिमांड है, मतलब जो बहुत सारी ऑडियंस है वो भी कहते हैं कि यार पुराना वाला मीटर अगर दे देना 250 का और यही सेम चीजें निकाल दें, हाँ, गाड़ी बहुत बिकने वाली है। या फिर ये अगर ऑप्शन में दे दे कि अगर आपको चाहिए तो आप लगवा लो, या फिर एक अलग मॉडल निकाल दें उसके साथ में। बंदे खिलाड़ी हो तो कुछ भी करवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को वाला मीटर बहुत पसंद है। मेरे को भी बहुत पसंद था, मैं उस मीटर के चक्कर में ही मैं वो गाड़ी ले रहा था, ओल्ड शेप, वो बोलते हैं ना बेजल लेस लगता है, पूरा फील आता है, उसमें बेजल्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, लगता है मीटर सामने खत्म हो जाता है, यही बढ़िया लगता था उसमें तो। वो चीज तो है। और उसके अलावा भाई छठे गियर की कमी लगती है इस बाइक में? यार 130 20 के पास पार जाओगे ना आप, हाँ, लगेगा छठा गियर लग जाए, क्योंकि उसके बाद क्या लगता है गाड़ी काम होकर चलती है, एकदम शांत चलती है, इंजन में एकदम फटने लग जाएगी गाड़ी, हाँ, इंजन निकलने लग जाएगी, इंजन पे बहुत लोड रहता है। पर अगर आपसे, अच्छा आप एक बात बताओ, जैसे आप कह रहे हो 130 के बाद जरूरत लगती है, ये बाइक लगता है कि ये बाइक भगाने के लिए है? मैं तो पर्सनली थोड़ा सा ये चीज नहीं मानता, आपका क्या कहना है? या मेरे को फील आती है, नहीं फील आती है वो चीज़, ठीक है, मतलब ये है कि जैसे आप चला रहे हो ना गाड़ी, और इसका थोड़ा अलग सीन है यार, इसमें मैंने देखा है कि 3-4 हज़ार RPM से ना नीचे चलाओगे वो ऐसा लगेगा कि मजा नहीं आ रहा, हाँ, उसके बाद पावर जब आती है, पकड़ती है ना तब ऐसा लग जाएगा हाँ यार ये भगाने के लिए भी है। मतलब जैसे इसको NS200 से अगर मैं कंपेयर करूं तो NS200 से कंपेयर बेकार है, मैं किस वे में कंपेयर कर रहा हूं, जैसे NS200 से आप कंपेयर करो, NS200 बनी है भगाने के लिए, इस बाइक को मैं थोड़ा मानता हूं, इसको थोड़ा कम्यूटिंग पर्पस से ज्यादा रखा गया है, तो अगर इसको NS से कंपेयर कर जाए भगाने के मामले में 120 के आसपास, तो वो चीज पूछ रहा था मैं कि लगता है स्टार्टिंग और मिड रेंज में तो है इसकी कंपटीशन, बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है, हाँ हाँ हाँ, टॉप एंड में तो यार देखो आएगी वो छठा गियर मांग है उसमें, इसमें नहीं है। और फिर वो देखो एक चीज और भी है ना, अब ये कम्यूटिंग पर्पस से क्यों, क्योंकि एवरेज अच्छी निकाल रही है, NS भगाओ एक बारी वो एकदम 40 से एवरेज ड्रॉप कर देती है, 30-28 पे आ जाती है उसकी एवरेज थ्रॉटल खोलते ही। मैं इसीलिए तो मेरा क्या है, मैं लेने को तो देखो यार NS 400 भी ले लूं, हाँ, पर हाथी को पालना फिर मुश्किल हो जाता है, वो बड़ी बात हो जाती है, सही कह रहे हो आप। और उसके अलावा भाई इसकी लाइट्स वगैरह का रिस्पांस कैसा है? लाइट्स तो भाई बहुत गजब है, बढ़िया है, लाइट्स तो बहुत गजब है, मैं कह रहा हूँ शायद ही आपको जरूरत पड़ जाए लाइट की कभी इसमें एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा, बाकी सारी NS देख लो, हाँ, उसमें तो लगवानी है भाई, NS में मैंडेटरी है लगवानी, उसमें तो बिल्कुल लगवानी पड़ेगी, इसमें नहीं है। और डिजाइन लो बीम में ही मजा आ जाता है, हाई बीम की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, डिजाइन भी काफी ज्यादा इसका फ्रेश है, एकदम अच्छी नजर आती है। अच्छा, का ही तो मजा है इसमें। रेड कलर चूज करने का कोई रीजन? दोस्त ब्लैक लेने गए थे यार, ब्लैक में पता क्या था, USD फोकस उसे ब्लैक कर रखे हैं पूरे, हाँ हाँ हाँ, उसमें मजा नहीं था, और जब ये देखे ना फ्रेंड्स अपने गाड़ी बल्कि इसकी वजह से बल्कि लगने लगी। एग्जैक्टली, आपने सही बोला, मैं यही पॉइंट बोलने वाला था, ब्लैक कलर के अंदर ना ये इतनी बड़ी और इतनी ज्यादा ना अटेंशन ग्रैब नहीं करती है, रेड चला भी रहा हूँ ना तो रोड प्रेजेंस सही मिल रही है मेरे को, मतलब थोड़े लोग मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। और इसके अंदर जो ग्रैमिका की ब्रेकिंग दे रखी है, इसके बारे में क्या कहना है बाइक की? बहुत प्यारी है भाई, बहुत अच्छी है ना, बहुत प्यारी है, मैं कह रहा हूँ मैंने हर लगभग सारी गाड़ियों की चला ली, ब्रेकिंग इसकी बहुत प्यारी लगी है। मतलब ओवरऑल बजाज 180,000 रुपये ले रहा है आपको ना, ज़्यादा मतलब पॉइंट आउट नहीं करने का मौका दे रहा, ओवरऑल हर चीज़ के ऊपर काम कर दिया है, ठीक है यार 180,000 में, पहले अभी एक टाइम था इससे पहले जब 180,000 में कुछ भी नहीं मिलता था, सही बात है भाई, जब से ये रिवोल्यूशन उठाया ना बाइकों का तब से तो बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ निकाली है। MT15 आ रही है 2,05,000-8,000 रुपए की, चांस ही नहीं है, कर लिया मैंने उससे भी कंपटीशन कर लिया, बेकार है, बेकार है, चला के देखी, चला के भी देख ली और कंपटीशन एक दोस्त ने बोला आधे रेस लगा, अच्छा 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 अच्छा, और उसमें विंड ब्लास्ट पड़ रहा था सामने से, हाँ हाँ, 150 में विंड ब्लास्ट पड़ते ही गाड़ी पूरी शांत पड़ जाती है भाई, हाँ, चलो 250 तो खींच देती है बढ़िया, MT मैक्सिमम भाई 125-130 तक पुल करती है, उसके बाद बस वो रेंगती है, बस 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 यही चीज करती है। और उसके अलावा भाई आपको इसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम्स आई अभी तक कुछ लगा है ऐसा? मैंने एक चीज नोटिस जरूर करी है कि इसमें जैसे पहले गियर से आप दूसरे गियर पे जाओगे ना, हाँ, और क्लच ज्यादा दबा दिया यार वो दूसरे से अपने आप न्यूट्रल हो जाती है, क्लच ज्यादा दबा दिया, हाँ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए यार, मुझे नहीं पता इसमें शायद इसमें ही प्रॉब्लम है या फिर आगे वाली, कई बार हुआ है, एक आधी बार हुआ है, कई बार हुआ, कोई नहीं आप सर्विस पे चेक करा लेना, अभी तो फर्स्ट सर्विस होनी है ना इसकी, तब आपका चेक हो जाएगा, अगर क्लच पूरा दबा दो तो न्यूट्रल हो जाती है, कई बार दूसरे पे चला रहा हूँ मस्त चल रही है, क्लच दबा दिया, हाँ, वो भी जब होता है जब डाला है आपने, अच्छा डालते के साथ ही हल्का सा आगे की क्लच दबा दिया न्यूट्रल,
और मैंने एक बार मेरे को लगा शायद तुक्का लग जाए या फिर कुछ हो जाए, हाँ। नहीं, पर कंपलसरी है, होता है। या तो फिर ऐसा हो कि गियर पूरा ना डालो, पूरा एंगेज ही ना हो, वही चीज तो मैंने सोच के ट्राई भी कर लिया बट नहीं कोई, तो मतलब ये एक चीज है कि हो सकता है कि भाई ये चीज आप चेक कराओगे हो जाएगी रेक्टिफाई। थोड़ा रिस्की है ना यार, अब रोड पे चल रहे एकदम से न्यूट्रल हो जाती है। सही बात है, इस चीज को आप चेक करा लो ना भाई एक बार, कितने दिन टाइम निकाल के। एक बार सर्विस सेंटर जाता हूं, होने वाली है वैसे भी, उसने बोला था 500 पे सर्विस हो जाएगी। इसके अंदर ABS के तीन मोड दे रखे हैं उन्होंने, यूज करते हो उन्हें? नहीं, मेरे को ऑफरोडिंग से मतलब ही नहीं है इसमें, ऑफरोडिंग पे ही दे रखा है, वो भी 80 तक ही चलती है उसमें। अच्छा, और जो रेन मोड है वो? रेन मोड भी मजा नहीं है, मतलब ABS का ही फर्क है। वाह, वो ABS की बस थोड़ा, मतलब वो ऐसा थोड़ा गिमिक चीज थोड़ी ज्यादा है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। लोग ना ऐसे हो गए थे जैसे RTR में है, उसमें मोड दे रखे हैं, रेन हो गया आपका, और वो राइडिंग मोड है, पर इसमें ABS के मोड है। बट लोगों को ये चीज हो गई यार, मोड चाहिए। बजाज वालों ने भी सोचा चलो शाड़े बंदी दिखाते हैं, M का बटन दबा के दिखा दिए दो पे 3-4 पॉइंट और वो भी ये ABS के मोड है, राइडिंग मोड थोड़ी है। काफी बंदों को कंफ्यूजन भी होती है यार, मोड का बटन दे रखा है ABS के मोड से, और ABS भी भाई मैं कहता हूँ वर्थ इट नहीं है, आप रोड पे ही चलाओ नॉर्मल, जब भी चलाना है ना कोई मतलब ऑफ रोड में। हाँ ये रहता है कि थोड़ा हो जाए, पर इसमें मैंने एक चीज भी देखी है यार, इसमें टायर फिर भी होता है। अच्छा, स्किड होता है? स्किड होता है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी तो है ना? इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है इसमें, पर ये पावर ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़िया काम करता है, इसका टेस्ट करा कहीं? टेस्ट करा है ना। अच्छा अच्छा, दोस्त को मैंने हाथ में दी, वो कह रहा लाओ बर्नआउट मारता हूं। हाँ। जैसे उसने स्टार्ट की टायर स्लिप मार दी, बंद हो गई, पावर एकदम काट देती है। सही है, और उसके अलावा मुझे लगता है भाई ओवरऑल हैप्पी हो आप तो इससे, है ना? तो एक हफ्ता हुआ है और मैं इसका इंतजार भी बहुत 3 महीने से कर ही जा रहा हूँ भाई, बजाज वाले मैं बोल रहा हूँ दिल्ली का कोई ऐसा शोरूम नहीं पड़ा होगा जहाँ मैंने गाड़ी ना पूछी हो लेने के लिए। हाँ सही है भाई, देखो वेट पे फोन करता था, दूसरे से फोन अपने आप आ जाता था, भाई कहाँ देख रहे हो अपनी गाड़ी आप। वेट करना वर्थ इट रहा, मतलब ये चीज है, अगर आप तो वेट ना करके ओल्ड शेप वाली ले लेते तो अब आपको बड़ा रिग्रेट होता उसमें। हाँ, रिग्रेट तो मुझे इस बात का भी हो रहा है, उसके बाद ही उन्होंने NS 400 निकाल दी। हाँ ये बात भी है, इस बात का भी रिग्रेट, जिस दिन डिलीवरी ली उसी दिन निकाली है। हाँ उसी दिन उसकी खबर निकल कर आई, तो दिखने में भी NS सामने भी गया था बग्गा लिंक पे। अच्छा चलो देख के आते हैं क्या है, वहाँ पे तो मिली नहीं बट ये वाली मिल गई। दिखने में भी काफी हद तक आगे से, मतलब NS इसके जैसी सी लगती है, लाइट वाइट थोड़ी सी। NS का वही कर रखा है, इसका फेस ले लिया, टैंक NS का ले लिया, NS 200 का ले लिया, चेसिस उसकी ले लिया, कर लिया सब कुछ। ये काम करने से कहीं ना कहीं बाइक जो सस्ती बनाई है ना उसका कारण यही है कि पार्ट शेयरिंग हो गई है। बंदे बोल रहे हैं कि अब NS में मजा नहीं आ रहा, नई वाली जब देखिए 400 भाई, अभी तो ना भी देखी ना भी चलाई। एक ये खड़ी आपके बगल में R15, इसकी कोई औकात नहीं उसके सामने, मैं तो ये बोलूं। इसके सामने भी नहीं है, इसके सामने भी नहीं है, इसके सामने चलो मैं बोलता हूँ प्राइस से थोड़ा कंपैरिजन कर लेता हूँ कि हाँ यार V4 है उसमें तो ये है, कोई सेंस ही नहीं है भाई इस बात के पीछे। चलो भाई ओके, थैंक यू अखिलेश भाई, आपने सारी चीज़ें बताई हैं बाइक के बारे में। तो अभी तो भाई देखो न्यू खरीदी है, फर्स्ट इंप्रेशन ही थे बाइक के, तो मैंने कहा एक बार भाई छोटा सा एक लिटिल सा ओनरशिप रिव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि अभी ओवरऑल जो फर्स्ट इंप्रेशन है भाई के वो ये है। अभी जब बाइक चला लेंगे 5,000-10,000 किलोमीटर तब इसके ऊपर दोबारा वीडियो करेंगे, 10,000 किलोमीटर पर क्या एक्सपीरियंस रहता है, क्या सहन रहता है। तो इस वीडियो में इतने पसंद है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मतलब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।